गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इंग्लिश ग्रामर. आवर टॉपिक इज द यूज़ ऑफ भारवान. तो आज हम इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 12 द यूज़ ऑफ भारवान का एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. तो देखिए क्या है. नंबर आई, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन थ्री डिफरेंट वेज एज शोन इन द एग्जाम्पल्स अबव. हम जो प्रीवियस क्लास में पढ़े थे चिन फॉर्म ऑफ भारवान, तो उसमें कैसे तीन तरीके से सेंटेंस दिया गया था. डू और डज यूज़ करना है, उसके बाद उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, और एक पहले से सिंपल सेंटेंस था. तो ठीक उसी तरह हमें नीचे दिए गए सेंटेंस को भी तीन तरीके से लिखना है. तो पहले क्या है, देखिए नंबर वन पर है डेविड हिट्स द बॉल. डेविड क्या किया, बॉल को हिट्स किया. तो इसको हमें डज लगाना है एक सेंटेंस में, और एक सेंटेंस में क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे. तो डेविड डज हिट्स द बॉल. डस क्यों लगा, क्योंकि डेविड एक लड़का है, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें डस लगा. अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता तो इसमें डू लगता. डेविड यानी कि एक लड़का है, इसलिए इसमें डस यूज़ हुआ है. उसके बाद हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, डस जो है पहले चला आएगा. डस डेविड हिट्स द बॉल, क्या डेविड बॉल को हिट किया. नंबर टू, दे सेंड अस गिफ्ट्स. वो लोग हमें क्या गिफ्ट दिए हैं. तो इसको हम क्या करेंगे, डू लगाकर एक सेंटेंस करेंगे, और एक सेंटेंस क्या होगा, क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे. तो क्या होगा, नेक्स्ट डू अगर यूज़ करेंगे तो दे डू सेंड अस गिफ्ट्स. वो सारे हमें क्या दिए हैं, गिफ्ट दिए हैं. इसमें डू क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये पहले से ही प्लूरल सब्जेक्ट है. अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो यहाँ पर डू यूज़ होता है. अगर सिंगुलर होता, जैसे कि डेविड सिंगुलर है, इसलिए इसमें डस यूज़ किया गया. नेक्स्ट इसको हम क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, डू जो है पहले चला आएगा. डू दे सेंड अस गिफ्ट्स, वो सारे हमें गिफ्ट दिए हैं क्या. नंबर थ्री, वी लर्न न्यू वर्ड्स. हम नए वर्ड्स को सीखे, यानी कि जाने. उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है, इसमें डू यूज़ करना है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया. अगर सिंगुलर होता तो इसमें डज होता, जैसे कि डेविड डज हिट्स द बॉल. ठीक उसी तरह इसमें क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें डू यूज़ होगा. जैसे कि दे डू सेंड अस गिफ्ट, दे भी प्लूरल सब्जेक्ट था, इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया. ठीक उसी तरह वी भी प्लूरल है, तो इसमें डू यूज़ होगा. वी डू लर्न न्यू वर्ड्स. उसके बाद हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, डू जो है पहले चला आएगा. डू वी लर्न न्यू वर्ड्स, हम नए वर्ड को सीखे क्या. नंबर फोर, समबडी स्टील्स माई बुक्स. कोई एक मेरा बुक चुरा के ले गया है. तो इसको हम क्या करेंगे, डू यूज़ करेंगे. somebody मतलब कोई भी एक, तो इसलिए इसमें क्या यूज़ होगा, डू यूज़ होगा, क्योंकि किसी एक इंसान के चुराने का बात कहा गया है बुक को, तो इसलिए इसमें क्या होगा, डू होगा. somebody डू स्टील्स my books. उसके बाद हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, डू जो है पहले चलाएगा. डू somebody स्टील्स my books, मेरे बुक्स को कोई चुरा कर ले गया है क्या. नंबर फाइव, सी हाइड्स हर थिंग्स. वो अपना सामान जो है, थिंग्स है, वो क्या छुपा कर रखती है. तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, डॉस, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए इसमें डॉस यूज़ होगा. शी डॉस हाइड्स हर थिंग्स, वो अपना सामान छुपा कर रखती है. शी यानी कि एक लड़की, तो इसलिए सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें डॉस यूज़ किया गया. अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट होता, यानी कि बहुत सारे लड़कियां होते, तो इसमें क्या होता, डू यूज़ होता. उसके बाद हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, डॉस जो है वो पहले चला आएगा. डॉस शी हाइड्स हर थिंग्स, क्या वो अपने सामान को छुपा कर रखती है क्या. नंबर सिक्स, दे टॉक इन द क्लास. वो सारे क्लास में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे. उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डू लगाकर एक सेंटेंस करेंगे, और उसके बाद उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, दे डू टॉक इन द क्लास. दे में डू क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है. दे का मतलब क्या है, बहुत सारे, तो वो क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट में गया, तो इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया. अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इसमें डॉज यूज़ होता. उसके बाद हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो डू जो है पहले चला आएगा. डू दे टॉक इन द क्लास, वो सब क्लास में बात कर रहे हैं क्या. नंबर सेवन, मोहन लुक सैड. मोहन कैसे दिखाई दे रहा है, सैड दिखाई दे रहा है, यानी कि दुखी दिखाई दे रहा है, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, डॉस. मोहन डॉस लुक सैड. डॉस क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि मोहन एक लड़का है,
जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो इसमें डू यूज होता, जैसे कि दे डू। मोहन डज लुक सैड, मोहन कैसे दिखाई दे रहा है, सैड दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो डज जो है पहले चला आएगा, डज मोहन लुक सैड, क्या मोहन सच में सैड दिखाई दे रहा है, दुखी दिखाई दे रहा है। नंबर 8, दे लाफ एट अस, वो सारे हमारे ऊपर हंस रहे हैं, तो इसमें क्या यूज़ होगा। उसके बाद और एक सेंटेंस डू यूज़ होगा, दे डू लाफ एट अस, वो सब हमें देखकर हंस रहे हैं, यानी कि हम पर हंस रहे हैं, क्या हम पर हंस रहे हैं। डू क्यों यूज़ किया गया, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दे यानी कि वो सारे, इसमें प्लूरल है इसलिए डू यूज़ किया गया। अगर ये सिंगुलर होता, जैसे कि मोहन एक लड़का है, इसलिए इसमें डॉस यूज़ किया गया, मोहन डॉस लुक सैड, वो दुखी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें क्या है, दे लाफ एट अस, यानी कि वो सब हमारे ऊपर हंस रहे हैं, ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसमें डू यूज़ किया गया है। दे डू लाफ एट अस, वो लाफ एट अस, वो सब हमारे ऊपर हंस रहे हैं। उसके बाद हम इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, डू जो है पहले चला आएगा, डू दे लाफ एट अस, वो सारे हम पर हंस रहे हैं, क्या। आज का चैप्टर द यूज ऑफ वर्ब, आज का आपका होमवर्क है, हम जो इसका एक्सरसाइज का आई नंबर डिस्कस किए हैं, ये सारा क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में करना है। आज का आपका होमवर्क ये है। थैंक यू।